हेलो दोस्तों, आवाज़ जम्मू चैनल से मैं राजीव कुमार सिंह। आज मैं आशीष जी का ससुराल आया हूं और उनके ससुर जी से मैं उनके बारे में पूछूंगा। हाँ सर, पहले अपना परिचय दीजिए। रामचंद्र यादव नाम है जी सर। आशीष जी के कौन लगते हैं? उनका ससुर है। ठीक है, उनके बारे में कुछ बताइए सर। उसके बारे में क्या बताएं, आप पूछिएगा तब ना हम बताएं। मतलब कैसे वो स्ट्रगल किए, कैसे इतना आगे बढ़ गए, कुछ बताइए सर। आज मगही के वो सुपरस्टार हैं जी, इस विषय में कुछ बताइए। आपको कैसा लग रहा है ये जान के? ये जान के हमको बहुत खुशी हो रहा है कि मेरा दामाद मगही का सुपरस्टार है। और कैसे मतलब इतना ऊंचाई को उन्होंने प्राप्त किया, इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, मेहनत का फल जो है ना कभी ये नहीं होता है, इसलिए बहुत सितम सह के वो संगीत में बढ़े हैं और उनका जो जुनून है जी सर, जी सर, वो हमको लगता है कि एक दिन मुंबई के धरती पर जाकर फिल्म बनाने का काम करेंगे और उनका फिल्म जो है सो बहुत जल्द ही आ रहा है। हाँ जी सर, कौन सा पिक्चर आ रहा है? वो राजा रंगदार। वाह, फिल्म का नाम है राजा रंगदार जी सर, जिसका शूटिंग जो है मुंबई में होने जा रहा है छठ पूजा के बाद। ठीक है, आपके द्वारा बहुत ही अच्छा सूचना मिला सर कि वो उनका पिक्चर रिलीज होने जा रहा है। और वो नवरात्रि पे मतलब कि क्या कुछ होने वाला है? नवरात्रि पर देवी गीत सॉन्ग मतलब उनका शूटिंग चल रहा है अभी पटना में। जी जी जी, कला संस्कृति भवन या क्या जहाँ शूटिंग करते हैं जी जी, वहाँ उनका देवी गीत पे शूटिंग मतलब चल रहा है। दर्शकों को आप क्या बताना चाहते हैं? दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि मिट्टी में पल के और अपना जुनून रख के इतना बड़ा गायकार बनाए हैं। सभी श्रोता का ही आशीर्वाद है, सारे जनता का आशीर्वाद है और आज वो इस मंजिल पर पहुँचे हैं। मैं जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आज उन्हीं के बदौलत मतलब मगही के सुपरस्टार बन गए हैं, नहीं तो वो अपने से सुपरस्टार थोड़े बने होते। जी सर, जी सर, जनता का ही आशीर्वाद और प्यार मिला, लोगों का आशीर्वाद प्यार मिला, जिसके चलते आज वो मगही का सुपरस्टार हो गए। मेरे दोस्तों, आशीष जी के ससुर जी का कहना है कि जनता के आशीर्वाद के कारण आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं और हमेशा उनका आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे। और इस प्रकार का वीडियो मैं और बराबर बनाता रहूँगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कमी ना करें। जय हिंद, जय भारत।